दोस्तों, हम इस समय आ चुके हैं विजयपुर गांव के बाहर। अब हम आपको लेकर चलेंगे वहां की लोकेशन के बारे में, आपको बताएंगे कहां पर कौन सा सीन शूट हुआ था। ये जो गांव के बाहर जो मकान आप देख रहे हैं, ये है गुंजा का मकान, जो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये वहां के एक स्थानीय हमारे पहचान के चाचा जी हैं। ये आपको दिखाएंगे कि वो जो रज्जो जहाँ पे बाल्टी भरती है वहाँ गिरा देती है बाल्टी उस कुएँ में, ये वो कुआँ है। यहीं पे रज्जो जो है बाल्टी भरने के लिए आती है। फिल्म का जो पहला सीन होता है वो यहीं से शुरू होता है, जिस कुएँ के अंदर जो है ईंटें लगी हुई, इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से है। और ये डिजाइन, ये देखो जो आपको दिखाई दे रही सर्कल के अंदर, ये उसी प्रकार से आज भी है। ये बहुत ही पुराना कुआं है। वहाँ के लोगों से पूछा तो उसके बारे में पता चला कि ये लगभग 100 साल पुराना तो ज़रूर होगा। ये इसका जो मसाला है ये सीमेंट से नहीं बनता है। इसका मसाला जो पुराने समय में बनता था वो सीमेंट से नहीं बनता था, बल्कि वो सनई होती है, रस्सी बनने वाली सनई, और सीरा होता है जो गुड़ में निकलता है, वो सीरा, सनई और चूना मिट्टी, इन तीन चार चीज़ों को मिलाकर के ये मसाला बनाया जाता था। इसीलिए ये मसाला बहुत सालों तक चलता है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये सीन शूट हुआ था, यहीं पे कैमरा लगा हुआ था, कुछ इस तरीके से। ये जो सामने आपको चाचा जी दिखाई दे रहे हैं वहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने ही हमें वहाँ गांव में जाकर घूमकर इधर उधर की लोकेशन बताई कि कहाँ पर कौन सा सीन शूट हुआ था। ये जो सामने आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये अब सामने के जो नीले दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये नीला पर्दा पड़ा हुआ है, ये पक्का मकान बन चुका है। इस ये कुएँ की ये प्लास्टर है, ये निकल चुका है क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, इसकी ईंटें अंदर की दिखाई देने लगी हैं। इस पे जो बाल्टी चढ़ाई जाती थी रस्सी के द्वारा, वो घिर्री आज भी लगी हुई है वहाँ पे, कई साल हो गए हैं। ये कुआं कुछ इस प्रकार से है। पहले तो यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ थी, अब साफ सफाई कर दी गई है। और ये जो मकान आप देख रहे हैं कुएं के सामने ही है, पहले यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कुछ पहले इस प्रकार से, दूसरी प्रकार से थी, इस प्रकार से थी जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो। जो कुर्सी यहाँ पे पड़ी हुई थी, वहीं पे काका जो है खाट पे बैठते हैं और वहाँ वैद्य जी आते हैं। ये कुएं के सामने ही वाला सूट है। ये कुआं पास में ही पड़ता है, वो जो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर, ये कुर्सी के पास ही खाट पड़ी हुई थी जहाँ पे काका जी बैठते हैं और वहाँ पर अनिरुद्ध होते हैं और गांव के दो तीन लोग होते हैं। वहीं पे वैद्य जी आते हैं और रूपा के लिए ओमकार का हाथ मांगते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर होली जलाई गई थी, इसी जगह पर। और ये जो पीछे का आप सीन देख रहे हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, पहले वहाँ पेड़ नहीं थे। जो ये कुएं वाला सीन लिया जाता है वो कुछ ऐसा ही होता है, यहीं से लिया जाता है उसी। अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है वहाँ पे। स्क्रीनशॉट में जो औरत आपको दिखाई दे रही है वो यहीं इसी जगह पे थी। और ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ठकुराइन आती हैं बहना लेकर और उधर से काका आते हैं। ये पहले झोपड़ी हुआ करती है यहीं पे, अब ये पक्का मकान बन चुका है। ये जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, उधर से ठकुराइन आती हैं और उधर से काका, यहीं पे उनकी मुलाकात होती है। आपको आगे ले
कर चलते हैं, वहीं से आपको दिखाएंगे। ये गली है, यहाँ से ठकुराइन आती है और यहाँ पे ये पक्का मकान बन चुका है। ये पहले कच्चा था, झोपड़ी पड़ी हुई थी छोटी सी। ये दूसरा सीन भी यहीं पे शूट हुआ था। ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं, ये वाला ये मकान आज भी है, ये वही मकान है, उस सीन में भी दिखाई देता है। हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर, ये बहुत ही पुराना मकान है। ये मकान आज भी है, उस समय भी। ये जो स्क्रीनशॉट में सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, ये मकान वही है। और उसके आगे ये झोपड़ी होती थी, वहाँ पर पक्का मकान बन चुका है। काका इधर से ही बैल लेकर के आते हैं और अनिरुद्ध भैया से उनकी मुलाकात होती है। और ये है गुंजा का मकान। गुंजा इसी घर में रहती है, ये वैद्य जी का घर है। यहाँ पे जो मकान है उस दरवाजे के सामने ये बरामदा बन चुका है। पहले ये जो स्क्रीन शॉट में देख रहे हैं उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से थी। अब यहाँ पे ये पक्का मकान बन चुका है, केवल बरामदा ही बनाया है, मकान अंदर अभी वैसे ही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अलमारी बनी हुई है छोटी सी, वही सेम डिज़ाइन इसमें भी है, स्क्रीन शॉट में आप देख रहे हैं। केवल आगे ये दरवाज़ा भी वही है आज भी, बहुत ही मजबूत दरवाज़ा था। और यहाँ पर एक कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी जो अब नहीं है, यहीं पे कुछ हुआ करती थी इस जगह पर, यहाँ ईंटें पड़ी हुई हैं, वो झोपड़ी अब नहीं है। काफ़ी सुंदर दिखने लगा है यहाँ का बरामदा। और ये जो आप देख रहे हैं ये अभी भी वैसे ही ये दीवार है, काई वाई जम गई है। बाकी ये जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं जो ये ईंटों के जो होल बने हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चंदन भागता हुआ आता है, ये जो आप सामने देख रहे हैं चंदन भागता हुआ आ रहा है, और ईंटों की डिज़ाइन वैसे ही है। और ये वो जगह है जहाँ पर गुंजा पेड़ के पीछे से देखती है छुपकर। ये देखो स्क्रीनशॉट में जो आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर गुंजा ओमकार को अंदर भेजती है और खुद छिप जाती है। ये वो जगह है जहाँ पर बैलगाड़ी से गुंजा बलिहार को जाती है, वो यही जगह है, इसी जगह पर वो बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये सामने का जो आप देख रहे हो दरवाज़ा, ये जो सर्कल के अंदर वो दरवाज़ा आज भी लगा हुआ है। और इसमें भी जो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं वो वैसे का वैसा ही है, आज भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही पुराना है। ऊपर का जो खपरेल पड़ा हुआ था उसके ऊपर, वो अब नहीं है, गिर चुका है। और ये जो दरवाज़ा है ये गुंजा के मकान के पीछे का दरवाज़ा है। इस दरवाजे को फिल्म में नहीं दिखाया गया था क्योंकि सारे सीन आगे से शूट हुए थे। ये पीछे का दरवाज़ा है जो गली के पास में होकर जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ कमी रह गई होगी वीडियो में तो उसको हम अच्छे तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें फिल्मों की लोकेशन के बारे में आपको दिखाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद।